देश के 5 राज्यों में चल रहे चुनावी समर को लेकर सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। फिर चाहे वो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर विपक्ष पार्टी के बड़े नेता हो, सभी इस राजनीतियों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। कोई इसी समर में नहीं छोड़ना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात के शहजादपुर मैदान में योगी आदित्यनाथ समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गोवा चुनाव में भी हिंदू वोट बांटने की राजनीति कर रही टीएमसी को भी घेरा। सपा पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा, ये घोर परिवारवादी 2022 के चुनाव में हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को चुनावी नतीजे आते ही धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, सारी समस्याओं का समाधान विकास है और विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जनता ने विपक्ष को 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और अब 2022 में इस घोर परिवारवाद को हराएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए सोमवार को मतदान का आयोजन किया गया। कई लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो वहीं पे ईवीएम में कई विधानसभा प्रत्याशियों की किस्मतें भी कैद हुई। हालांकि कई जगहों से ईवीएम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिसे जल्द ही बदलकर सुलझा लिया गया। वहीं मतदान प्रक्रिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कई कंपनियों के अलावा कई लाख पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहे। साथ ही भारी संख्या में होमगार्डों की भी तैनाती की गई। दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए सूबे के 9 जिलों में वोटिंग की गई। इनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और संभल जैसे जिले शामिल हैं। वहीं चुनाव आयोग भी वॉर रूम से नजर गड़ाए रखी। जिन बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही थी उसमें से बड़ी संख्या में बूथों की लाइव तस्वीरें आयोग के वॉर रूम में दिखी। वहीं सी विजिल ऐप के जरिए भी कई लोगों ने अपनी असुविधाएं आयोग के सामने रखी जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। गौरतलब है कि इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने को लेकर थी। यूपी में दूसरे चरण के मतदान को लेकर खास बात ये रही कि बढ़ चढ़कर महिलाओं ने अपने मतदान का प्रयोग करा, वो भी अपनी वोटिंग में सबसे आगे दिखी। लिहाजा यूपी के सत्ता में तमाम फैक्टरों के बीच महिलाओं का फैक्टर भी भारी नजर आ रहा है। हालांकि अब सबकी नजर 10 मार्च को है क्योंकि तब वो तारीख है जब जनता सुनाएगी अपना फैसला। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं आज दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में बंपर वोटिंग हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने मतदाताओं से वोट की अपील करी जिसका असर मतदान केंद्र पर देखने को मिला। सुबह सुबह से लेकर दोपहर तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली तो वहीं इस दूसरे चरण की 55 सीटों पर जो वोटिंग हुई वहां पर कई ऐसी मुख्य सीट है जिन पर बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। चाहे वो सहारनपुर हो या शाहजहांपुर हो, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर आज दिग्गजों की किस्मत दांव पर थी तो वहीं अब वोटिंग खत्म होने के बाद दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब आने वाला समय 10 मार्च ही बताएगा कि किसकी किस्मत में राजतिलक लिखा है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 55 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। पूरे दिन भर काफी गहमा गहमी रही। समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए और इसकी शिकायत चुनाव आयोग की है। सहारनपुर में जिस तरीके से शिकायत की थी कि वहां पर यादवों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, हालांकि चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है, कई जो वहां के डीएम हैं उनसे लिखित उसमें सूची मांगी है क्या क्या है वहां की, किस तरीके से हालात हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना था कि जो वोटर्स हैं वो साइकिल पर वोट डाल रहे हैं लेकिन वो कमल पर निकल रहा है, ये भी एक आरोप लगा है। अब चुनाव आयोग सभी शिकायतों का संज्ञान ले चुका है। पूरा दिन भर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है, वहीं भाजपा के जो महामंत्री हैं जेपी राठौर ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिम में जो चुनाव हो रहा है वहां पर जो पर्दा नशी जो महिलाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं पहचान नहीं की जा रही है और उनको वोट डलाया जा रहा है, तो तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि चुनाव आयोग इन सब मामलों को नकारते हुए शाम तक जिस तरीके से एक वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत अच्छा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वोटरों के अंदर उत्साह है। अब ये किसको चुना गया है ये फिलहाल 10 मार्च को ही पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज 55 सीटों पर जो प्रत्याशी उनकी जो किस्मत कहीं ना कहीं ईवीएम में बंद हो गई है।
उत्तराखंड में 17 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। अभी इंतजार है 10 मार्च का, जहां 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच है। बता दें 81 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। प्रशासन की ओर से हैंड सैनिटाइजर और ईवीएम का इस्तेमाल करने के लिए ग्लव्स की व्यवस्था की गई। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव को पर्यावरण पूर्वक बनाने के साथ ही 105 गुलाबी बूथ भी बनाए, जहां महिलाएं अधिकारी तैनात रही। वही 8 बूथ दिव्यांगों के लिए भी बनाए गए। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। एक चरण में हो रहे चुनाव के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। उत्तराखंड में करीब 60% लोगों ने वोटिंग की। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड में किसकी सत्ता आएगी। गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 301 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा वोटर वोट डालकर इन उम्मीदवारों की किस्मत लिखेंगे। साथ ही गोवा में इस बार गुलाबी बूथ लगाए गए हैं, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव को पर्यावरण पूर्वक बनाने के साथ ही 105 गुलाबी बूथ बनाए हैं, जहां महिलाएं अधिकारी तैनात रही। वहीं 8 बूथ दिव्यांगों के लिए भी लगाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश से मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारी की गई है। एक चरण में हो रहे चुनाव के तहत मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम के 6 बजे तक जारी रहा। वोटिंग के दौरान लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। मतदान किट वोट डालने के बाद सावंत ने कहा कि उनकी नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। साथ ही नरेंद्र मोदी का फोन आने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। पुलवामा हमले की 3री बरसी पर देश शहीद जवानों को याद कराया, जिन्होंने उस आत्मघाती हमले में अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट पर लिखा कि पुलवामा के शहीदों से हर भारतीय को मजबूत भारत के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते, उनका और उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। को बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें आईडी से लदी कार ने सीआरपीएफ के काफिले को टक्कर मार दी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके कुछ दिनों बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर पुलवामा हमले का बदला लिया था। देश भर में कोरोना के मामले घटने के साथ साथ देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज यानी 14 फरवरी से नर्सरी कक्षा 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली में सुबह से ही बच्चे स्कूल जाते नजर आए। स्कूल में बच्चों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को फॉलो कराया जा रहा है। हालांकि स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 4 तक के यानी प्राइमरी सेक्शन के बच्चे कम दिखाई दिए। वहीं दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए पहले ही खोला जा चुका है। स्कूल प्रमुखों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेट हों, अगर नहीं है तो इसे प्रमुखता देनी होगी। वहीं कर्नाटक में भी 10वीं कक्षा तक के स्कूल सोमवार यानी 14 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस के लिए फिर से खुल रहे हैं। हालांकि बड़ी कक्षा और डिग्री कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। देश में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 340 लोगों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 91,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 4,78,000 पहुँच गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर भी घटकर 3.19% रह गया है। देश में कुल मामलों की संख्या 4,24,00,000 के पार पहुँच गई है। अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना के मामलों में राहत देखी जा रही है। देश में हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1,440 नए मरीज सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 7,000 हो गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कोरोना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जिला कारागार का उद्घाटन कर दिया। तकरीबन 29 एकड़ भूमि में 68 करोड़ रुपए की लागत से जिला जेल बनकर तैयार हुई है, जिसे आज जनता को समर्पित कर दिया गया। जेल के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने जेल अधिकारियों तथा बंदियों के लिए कई खास घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जिन जेल अधीक्षकों को अभी तक वाहन की सुविधा नहीं दी गई थी, अब उनको वाहन दिया जाएगा, साथ ही वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा जेल वार्डन की भी पदोन्नति होगी। मुख्यमंत्री ने इसके बाद लघु सचिवालय नूह की तीसरी मंजिल पर एसपी कार्यालय में दृश्यम सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें तकरीबन 8 एलईडी लगाई गई हैं। जिले भर में लगाए जा रहे तकरीबन 80 सीसीटीवी कैमरे से अब जिले की हर पल की निगरानी होगी, ताकि अपराध पर कंट्रोल रखा जा सके। भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की। दरअसल सरकार ने 54 स्मार्टफोन ऐप्स को देश में बैन कर दिया। इन सभी ऐप्स से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था। बैन किए गए ऐप्स में पॉपुलर गेम फ्री फायर और एपलोक जैसे ऐप्स भी शामिल हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर बैन लगाया है। ये सभी ऐप्स चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डाटा भेज रहे थे। कहा जा रहा है कि ये ऐप्स विदेशी सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डेटा लीक भी कर रहे थे। ऐप्स पर बैन के लिए गूगल के प्ले स्टोर को भी कहा गया है। इससे पहले भी 2020 में भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ऐप्स जैसे टिकटॉक, वीचैट समेत अन्य 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन के साथ 2020 में हिंसक झड़प के बाद भारत ने पड़ोसी देश के ऐप पर प्रतिबंध लगाने का यह सिलसिला शुरू किया था, जिसमें अब 54 नाम और जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय के भीतर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में सीधे तौर पर जो निर्णय लिए गए हैं, उनमें अगर मुख्य तौर पर अगर कहें तो अब हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। पहली से आठवीं तक के स्कूल के जो छात्र हैं वो अब स्कूल आएंगे। 17 तारीख से यानी कि 17 फरवरी से अब सभी बच्चों को स्कूल बुलाया गया है, लेकिन इसी बीच पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन करना ही होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 9वीं से 12वीं तक के कक्षाओं को खोल दिया गया है, उसमें भी छात्रों को अब स्कूल बुलाया गया है। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से जो शीतकालीन सत्र के जो स्कूल हैं उनको भी अब खोला जा रहा है, उनकी छुट्टियां समाप्त हो रही हैं। ऐसे में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्र दोनों ही तरह के स्कूल बच्चे अब स्कूल आ पाएंगे। इसके साथ ही हिमाचल मंत्रिमंडल ने राज्य के करीब 2 लाख पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही 31% जो DR है अब उसको भी लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में अब राज्यपाल का अभिभाषण होना है, क्योंकि आने वाले दिनों में 23 फरवरी से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और उसके बाद उस पर मंजूरी यहाँ से मंत्रिमंडल ने दे दी है। कोविड काल के दौरान भी अब जब एक तरफ जहां सभी चीज़ों को खोला जा रहा है, स्कूली बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिम, सिनेमाघर या फिर मंदिर जहां पर भंडारे और लंगर हुआ करते थे, उन्हें भी अब फिर से बहाल करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। ऐतिहासिक नगरी बल्लभगढ़ का कल्पना चावला पार्क, जिसे शहरवासी सिटी पार्क के नाम से भी जानते हैं, आजकल जिले भर में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तहसीलदार ने नपाई कराते हुए निशानदेही कराकर पक्षकार व अन्य के पक्ष में कब्जा दे दिया है। संबंधित पक्ष ने अब वहाँ चार दीवारी भी शुरू कर दी है। दलित से जुड़े होने के कारण धीरे धीरे स्थानीय राजनीतिक नेता भी मौके पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, ताकि जनहित से जुड़े इस मुद्दे को बुनाया जा सके। इसी के चलते बल्लभगढ़ से 2 बार विधायक रही और पूर्व की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर ने आज कल्पना चावला सिटी पार्क में सांकेतिक धरने पर बैठते हुए सरकार व प्रशासन की चुप्पी पर अपना विरोध जताया। शारदा राठौर ने इसी मुद्दे को लेकर पिछले 2 दिन से
बल्लभगढ़ के बाजार में जनसंपर्क भी किया और दुकानदारों को इस पार्क के जाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अपना विरोध जताते हुए कहा कि पहले ही शहर पूरे प्रदेश और पूरे देश में प्रदूषण के मामले में नंबर वन है, उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के कारण शहर का एकमात्र पार्क भी हाथ से चला गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पक्ष एवं प्रतिपक्ष द्वारा एक दूसरे पर टिप्पणी कहीं ना कहीं जी का जंजाल बनती हुई नजर आ। ये वाक्य जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा द्वारा स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राहुल गांधी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई। उन्होंने इस चीज़ का कड़ा संज्ञान लेते हुए कल जिला ऊना मुख्यालय पर एमसी पार्क के पास रोष मार्च निकाला और बीजेपी एवं मुख्यमंत्री असम के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष युवा निगम भंडारी मौजूद रहे, उनकी अध्यक्षता में पुतला भी यहां पर जलाया गया। निगम भंडारी का ये कहना था कि चुनाव 5 साल बाद आते हैं, पर लेकिन इस प्रकार के अशोभनीय टिप्पणियों को कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रबर स्टैंप बताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश से सबसे बड़ी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो मात्र रबर स्टैंप का काम करते हैं और उनसे हम कोई आशा भी नहीं रखते हैं कि वो मुख्यमंत्री के ऊपर, असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं युवाओं में कल रोष देखने को मिला और जिस कारण उन्होंने पुतला जो है वो एमसी पार्क के समीप जलाया। हिजाब और चुनाव के मुद्दे पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर राज्यों के अंदर मतदान हो रहा है, निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास करवाया है, जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से बहुमत की जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी जनता का साथ मिलेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मणिपुर के अंदर भी जो है हमारे जो समीकरण है वो भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर के लिए हैं, और पंजाब के अंदर की जहाँ उन्होंने बात की कि पंजाब के अंदर कुछ दिनों में जो है समीकरण बदले और भारतीय जनता पार्टी पूरे जो है ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी। और जिस प्रकार से दूसरी पार्टियां बहकाने वाले जो है लुभावने वादे जनता के साथ कर रहे हैं, तो जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देगी। वहीं उन्होंने हिजाब मामले पर भी कहा कि जिस प्रकार से चुनावों के पहले इस प्रकार की कई बार होता है, इस प्रकार का जो है विवाद बनाया जा रहा है, इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। पहले भी स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होता था, आज भी स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड है और भविष्य में भी स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होगा। इस मामले को जो है बेवजह तूल दी जा रही है और इस प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है और इस पर कोई भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि आज शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहाँ पर कोरोना के अंदर जिन संस्थाओं ने समाज सेवा का काम किया उन सभी को सम्मानित करने के लिए शिक्षा मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने आज चुनावी मतदान और हिजाब के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दृष्टियों का गड़बड़ जाला एक बार फिर सामने आया है। 7A का उल्लंघन कर 4 वर्ष में 3113 रजिस्ट्रियां कर दी गई। बिना NOC के हुई ये सभी रजिस्ट्रियां। इन रजिस्ट्री करने में 13 तहसीलदार, नायब तहसीलदार शामिल रहे। इसके अलावा 16 पटवारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह कहने में अतिशोक्ति नहीं कि 99% रजिस्ट्रियां बिना NOC के की गई। यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कोरोना काल में रजिस्ट्रियों को लेकर काफ़ी गड़बड़ झाला सामने आया था, लेकिन इतनी होने के बावजूद भी सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि सरकार जरूर कार्रवाई करने के मूड में है। ऐसे में अब लगातार जो है कार्रवाई करने के आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अधिकारी और पटवारी हैं वो लगातार तहसीलों में काम कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान प्रदेश में हुई रजिस्ट्री घोटाले को लेकर अब हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पहले चरण में गुरुग्राम करनाल मंडलों के की लिस्ट सामने आई थी, तो वहीं दूसरी लिस्ट रोहतक के अलावा कई जिलों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं।
और अब हरियाणा सरकार उन भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों पर गाज गिरने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके बाद से ही उन जिले के कर्मचारी व अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान दूसरे चरण में हिसार, रोहतक, अंबाला व फरीदाबाद के अंतर्गत पड़ने वाले बाकी 16 जिलों के अफसर के नाम इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि सरकार का कहना है कि वह इस मामले को लेकर सख्ताई बरते हुए है और जिन भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों ने यह मामला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रोहतक जिले के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके आने से पहले का है, कोरोना काल का है, जबकि सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता बरते हुए है और सरकार ने दो लिस्ट जारी की है जिसमें रोहतक जिला भी शामिल है। हालांकि रोहतक जिले में लगभग 63 के करीबन रजिस्ट्री मामले में घोटाला हुआ था लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों पर गाज गिरनी लाजमी है। हालांकि हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता से ले रही है। जजरे छारा रोड पर गांव बिरधाणा के नजदीक मोड़ के ऊपर आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला जिसमें स्कूली वैन दूध में के खड़े टैंकर से टकरा गई जिसमें कई बच्चे घायल हुए हैं जिनमें से दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और वहीं बस के ड्राइवर और क्लीनर को भी गंभीर चोट आई है। इन चारों को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही जहां परिजन आसपास के वहां से दौड़ पड़े हॉस्पिटल की तरफ, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद रोहतक पीजीआई भेजने के लिए डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिल्टन्स पैराडाइजो में हुए हादसे में डीटीपी गुरुग्राम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं जिसके बाद गुरुग्राम के बजगेड़ा थाने में चिल्टन्स बिल्डर, इसमें जुड़े इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर आर्किटेक्चर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इससे पहले भी इस हादसे में दो महिलाओं की मौत सामने आई थी जिसमें एकता भारद्वाज के पति राजेश भारद्वाज की शिकायत पर भी चिल्टन्स बिल्डर के एमडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। घरों में हो रही चोरी की वारदातों पर अब लगेगी लगाम। जनता के आपसी सहयोग से चोरी की वारदातों में आएगी कमी। इसको लेकर यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने बनाई एक योजना। एसपी कमलदीप गोयल ने सेक्टर 17 हुड्डा के पौश इलाके के कॉलोनी वासियों के साथ इस योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की। एसपी ने कहा कि जिस प्रकार से कॉलोनियों के अंदर जो आसपास के घर हैं 20 से 30 या 30 से 50 लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आपसी बातचीत के बाद ये ग्रुप बनाया जाएगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से कोई घर सूना होगा या जिसको कहीं कोई काम है उस घर के अंदर एक वॉलंटियर जो क्लस्टर के अंदर बनाए जाएंगे वो वॉलंटियर उस दिन उस घर के अंदर रुकेगा। इससे ये है कि घर सूना नहीं रहेगा और चोरी की वारदातों के अंदर कमी आ सकेगी। और उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता का सहयोग चाहिए। वहीं सेक्टर 17 निवासियों ने एसपी कमलदीप गोयल की इस योजना की सराहना की और उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एसपी ने कहा कि जिस प्रकार से पहले हुड्डा के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे पौश इलाके सरोजनी कॉलोनी और इसी प्रकार से प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जहाँ इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा तो वहीं घरों के अंदर हो रही चोरी की वारदातों के अंदर भी कमी आएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि सूने घरों को ही जो चोर हैं वो रिकी करने के बाद अपना निशाना बनाते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से एक ये प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता इसमें अपनी कितनी भागीदारी निभाती है। फिलहाल जो एक बैठक की गई थी बड़े ही सार्थक माहौल के अंदर एक ये बैठक हुई है और जो सकारात्मक रवैया था लोगों का वो इसमें दिखाई दिया है। सिरसा के किसानों के लिए खुशखबरी है। वे काफ़ी दिनों से मुआवजे की मांग कर रहे थे क्योंकि उनकी सरसों की फसल और बाजरे की फसल पर पिछले वर्ष सूंडी लग गई थी जिसको लेकर के किसान काफ़ी परेशान थे। वो बार बार सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी भरपाई हो सके। कल सरकार ने उनकी मांग मान ली है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उन्हें आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही उनके खराबे के पैसे उनके खाते में होंगे। किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जब किसानों की फसलों का नुकसान होगा सरकार उनके लिए हमेशा तैयार है और किसानों की भरपाई मतलब किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार स्वयं करेगी। किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15, 16, 17 फरवरी के लिए प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बर्फबारी व बारिश की संभावना जताई गई है।
हालांकि 15 फरवरी के लिए मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जो है बर्फबारी व बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 17 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। हल्के हल्के बादल मौसम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की बारिश की संभावना यहां पर नहीं जताई गई है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से भी तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की जाएगी।